하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 파키스탄 6개 교회 연합 전도 학교를 하나님이 허락해 주셔서 정말 감사합니다. 이 6개 전도 학교의 아버지 하나님의 귀한 목사님과 제자들을 하나님 축복해 주옵소서. 파키스탄 민족 복음화를 위해서 가장 귀하게 쓰임 받는 귀한 교회 목사님들이 되게 해 주옵소서. 그 어려움 속에서도 성전을 건축하고 있는 그 교회도 있고 여러 가지 뭐 교회의 사정이 있는데 하나님께서 돌봐주시고 부족한 것을 채워 주옵소서. 여기에 모든 전도 학교들이 신학교로 발전되게 하시고 RTS 최고의 신학교로 아버지여 세워지게 주옵소서. 통역하시는 율심 목사님 건강 주시고 아버지는 그 가족들을 축복해 주옵소서. 일선 목사님을 통해서 통역하는 렘넌트 후대들 제자들이 많이 일어나도록 하나님이여 축복해 주옵소서. 정문식 목사님과 사모님과 모든 가족들을 하나님이 축복하시고 지켜 주옵소서. 모든 신학교와 모든 전도 학교를 축복해 주옵소서. 아시아 48개국을 비롯해서 주변의 모든 유럽과 모든 아프리카나 또 남미에 하나님이 놀라우신 말씀의 역사가 일어나게 주옵소서. 그런 모든 현장에 하나님의 말씀과 하나님의 성령의 생기가 불어서 큰 영적 군대로 일어나게 주옵소서. 여기 밤늦게 또 우리 방송실에 수고하는 종들을 하나님이 보호해 주시고 건강을 주시고 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.
खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं आमीन आमीन 예, 오늘 말씀은요 에베소서 2장 1절부터 6절까지를 한번 읽어보겠습니다. 지, 메레 साथ देखिएगा, खुदावन के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से इफ़सियों 우리가 예, पाक कलाम में से हम देखेंगे 에베소서 2장 इफ़सियों दूसरा बाब दूसरी आयत से तीसरी आयत तक एफेसोसो 2장 1절부터 6절까지 우리 열심 목사님 한번 읽으라고 하십시오. 예, 알겠습니다. 에베소서 2장 1절부터 6절까지 우리 열심 목사님 한번 읽으라고 하십시오. 예, 알겠습니다. 에베소서 2장 1절부터 6절까지 우리 열심 목사님 한번 읽으라고 하십시오. 예, 알겠습니다. बाइबल मुकद्दस में से इफ़सियों दूसरा बाब पहली आयत से छठी आयत तक और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवज पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है उनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानत तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब जो उसने हमसे की जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया खुदावन की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो खुदावन तेरा शुक्र हो आमीन आमीन 우리가 지금 하고 있는 다락방 그 복음 전도 운동은요 철저하게 성경적입니다. जी मेरे अजीजो आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा उन्वान है वो है बाइबल के थारकबांग यानी अंजीली बिशारत की तहरीक का मरकजी पैगाम बाइबल के थारकबांग अंजीली बिशारत की तहरीक का मरकजी पैगाम चर्चा संगे हेक्शिमिन भोगुम चुंगशिम उन्दोंगिमिदा जी मेरे जीजो जो बाइबल मुकद्दस का मरकजी पैगाम है वो क्या है वो खुदावन यीशु मसीह हैं तकबीरी ये भोगुम उन्दोंगी कोई जगा सेंगाकाकिरोनन 그 종교 개혁하고 난 다음에 500년 동안에 그 잃어버렸던 것을 다시 원색 복음을 회복하는 운동이라고 감히 내가 말씀드릴 수가 있습니다. 지, 메레 지소 바이블 무카드스 की जो अंजील का पैगाम है या मुनादी का पैगाम है वो आप सब जानते हैं कि नए अहदनामा में से हमने किस तरह से उसको सीखा है और बहुत सारी अजान रसानियां भी आई कलीसिया पर लेकिन मुनादी का काम चलता रहा 예, 다락방 복음 운동을 지속해야 되는 것이 우리의 과제거든요. 지, और मेरे जीजो आज ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ पहुंची है कि हमारे वसीले से انجیل की मुनादी हो. 그래서 렘넌트 후대 운동이 그렇게 중요합니다. 지, इसलिए मेरे जीजो मैं आपको बड़ा जरूरी पैगाम ये देना चाहता हूं कि जो हमारा बकिया है या हमारी औलाद जो है उसको इसके बारे में सिखाना बड़ा जरूरी है. 우리 그 다락방 운동 우리 단체는요 모든 장로님들 목사님들 그 어른들이요 전부 다 우리 렘넌트 후대들 우리 자녀들 후대들을 위해서 헌신하고 있습니다. 지, 우리 몰크에 조 다락방 안질리 비샤르트기 तंजीम है या जो हमारी मूवमेंट है मुनादी करने की हमारे पासबान क्या हमारे एल्डर साहबान क्या हमारे मुबशरीन क्या हमारे डीकन्स ये सारे के सारे इनका महवर होता है इनका मंशूर ये होता है कि हम अपने बच्चों को मुनादी के लिए तैयार करें जो हमारे रेमिनेंट है उनको इस काबिल बनाए इनके रेमिनेंट रहते हैं 온전히 집중하고요
그들을 위해서 정말로 발판이 되는 어떤 교단이나 단체는 거의 없어요. 지, 메레 아지즈 오 जिस तरह से हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं आप शायद दूसरी दुनिया के ममालिक में इस तरह से नहीं देखेंगे लेकिन यकीन जाने कि जब बच्चे कलाम की मुनादी के लिए तैयार होंगे तो सही मानों में जो चर्च है वो तरक्की करेगा 우리 그 태영아부나요, 유초등부나, 중고등부나, 대학 청년부까지요, 대학부까지 딱 보면은요, 교회 그 걔들이 헌금을 합니까? 안 해요. 돈만 들어가는 거예요. 지, 어, 아, 쌤, 잔테, 헨, 게, 저, 하마레, 스쿨론, 게, 바치, 헨, 하이스쿨, 게, 바치, 헨, 콜리지스, 게, 바치, 헨, 저, 유니버시티스, 게, 바치, 헨, 아, 운, 게, 오빠, 뭐, 자다, 패사, 르가테, 헨, 잡, 게, 바치, 탈빌미, 게, 도어메, 함, 운, 세, 쿠치, 루피아, 패사, 하살, 레켄, 함, 운, 게, 오빠, 인베스트, 카르테, 함, 운, 게, 오빠, 자다, 세, 자다, 카르스, 카르테, 헨, 수입 지출 면에서 보면은요, 전부 다 우리 렘넌트들은 지출의 대상이죠. 지, 어, 메레지즈, 함, 우리 बच्चों पर रुपया पैसा खर्च करते हैं, 어, 조, 운기, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, 함, 운코, देते रहते हैं. 그러나 성경이 가장 중요하게 여기는 단어가 렘넌트예요. 지, 어, 메레지즈, 바이블 무카드스에 एक बड़ा खुसूसी पैगाम दिया गया है, बकिया का कलाम. 올라드고 시카엔 남은 자들입니다. 지, 메레지조, 이게 바라 히 ज़रूरी 패감해. 이 남은 자를 잘 이렇게 세워놔야 그 자리 그 남은 자가 남을 자가 되고요, 남길 자가 되는 거예요. 지, 메레지조, 바이블 무카드스에 예사야 나비의 세이파에, 이스케 바레에 함 데키야, 케 하마라 바키야, 하마라 바키야 콘헤, 하마리 올라드헤, 지스케 함네 ख्याल 카나헤. 오늘 말씀 읽은 말씀은요 에베소서 2장 1절 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨답니다. 지, 오늘 메레지조, 아비 함네 조 थोड़ी देर पहले इफ़सियों दूसरे बाब की पहली आयत में हवाला तलावत किया उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे. 아멘. 우리가 하나님을 만나지 못했을 때는 그 이 세상 풍조를 따르고 그 불신자들 가운데 역사하는 귀신의 영을 따랐다는 겁니다. 지, 오늘 메레지조, 하나님과의 만남에 앞서, 우리도 하와의 아말다리의 하감, 즉 사탄의 패로카르테, 그 루키 패비카르테, 그 나프르마니의 자손들에, 나프르마니의 자녀들에 타시르 카르테, 즉 우리는 앞서 사탄의 자손들. 그리고 3절에 보니까 우리는 본질상 진노의 자녀였다고 하면서요. 그것이 우리가 운명으로 팔자로 갇혀 있다는 거죠. 지, 오늘 3절의 아이트에 무타빅 लिखा है कि उनमें हम भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे. 하나님의 큰 사랑으로 인하여 우리를 하나님이 그리스도와 함께 살리셨다는 거죠. 지, 레케네 4th 아이트 함에 बताती है कि खुदा ने अपने बड़े फजल की बदौलत अपनी बड़ी बख्शीश की बदौलत अपने बड़े रहम की बदौलत हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बचाया है. 6절을 보니까 그리스도 안에서 살리실 뿐만 아니라 우리를 미리 하늘에 앉혀 놨다는 겁니다. 지, 어 6th 아이트 के मुताबिक के खुदावंद यीशु मसीह में उसने शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर हमें जगह दी यानी आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया. 미래 문제 해결이죠. 지, और देखें कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि हमारी पैदाइश से पहले ये सारा मंसूबा खुदा ने तय कर दिया. 왜 이런 놀라운 축복을 주셨냐? 오는 여러 세대에 하나님의 구원을 알리려고요. 지, 메레 지조, 아직 एक सवाल हमारे ज़हनों में उभर कर आता है कि क्यों खुदा ने हमसे इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत की है कि हम उसने हमें अपने बड़े फजल में बुलाया है उसने हमें मसीह खुदा ने आसमानी मुकाम ये सवाल को जानने की जरूरत है इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है. 오는 여러 세대에 알리려면은요 특히 우리가 지금 하고 있는 렘넌트 운동이 빠지면 안 돼요. 지, 레킨 메레 지조 अगर आप पूरी दुनिया के लिए हासिल करें बहुत ज्यादा बाइबल मुकद्दस में से सीख लें लेकिन अगर आपने अपने बकिया की हिफाजत नहीं की यानी अपनी औलाद को नहीं सिखाया तो हमारा इल्म किस काम का.
오늘 2절에 보니까 그리스도는 하나님의 비밀이랍니다. 지, 아즈 하마라 조 페헬라 포인트 해, 워 예 해 케 마시히 후다만 후다가 바라 베드 해. 페헬라 포인트 마시히 후다만 예수 마시히 후다가 바라 베드 해. 하나님의 비밀, 비밀이라는 말 여러분 아시죠? 감춰졌던 감춘 것인데, 감춰진 것인데. 지, 메레 지소 베드게 바람에 잔테 해, 시크릿게 바람에 앞 잔테 해, 여저 포시다 치즈 해, 우스게 바람에 앞에 손 라카 호가. 감춰진 것인데 아는 사람은 그렇게 쉬워요. 그런데 모르는 사람은 그 죽어도 몰라요. 지, 메레 지소 퍼스 카레 के जो चीज सामने नजर आती है उसके बारे में तो हम जान लेते हैं लेकिन जो भेद है जो पोशीदा चीज है कुछ लोग मर भी जाते हैं लेकिन तब भी उनको उस भेद के बारे में नहीं पता चलता 군대 들어가면은 그 보초를 쓰잖아요. 보초 쓸 때는 반드시 암호를 매겨요. जी मेरे जीजो फर्ज करें कि जब आप आर्मी में दाखिल होते हैं या आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर बहुत सारे पोशीदा अल्फाज होते हैं 그때 그날 저녁에 암호를 딱 이렇게 매겨놓고 또 다른 사람이 딱 오면은 암호 이렇게 하면은 암호를 대야지요. 지, 어, first 그러니까, 그 아, 아미에 चले गए हैं, लेकिन सारा दिन आप सीख जब आप सारा कुछ सीख जाते हैं एक दिन में, तो शाम को आपको पता चलता, ओ, मुझे तो इन चीजों के बारे में पहले इल्म ना था, ये भेद थे मेरे लिए. 암호를 안 되면은 총으로 쏴도 뭐 그 할 말이 없어지죠. 지, 펄스 करें कि अगर आपको जंग में भेजा जाए और आपको फौज के जो पोशीदा अल्फाज हैं या जो सीक्रेट वर्ड्स आपको दिए जाते हैं उनके बारे में इल्म ना हो तो आप जंग नहीं लड़ सकते। 그 암호를 아는 사람은 암호 되면 독수리 해보면 끝나는데 암호가 독수리인 거 모르는 사람은 아무리 땀을 뻘뻘 흘려도 모르는 건 몰라요 죽게 돼요. 지, 펄스 करें कि आप आर्मी में चले गए हैं और आपको जंग के लिए भेज दिया गया लेकिन आपको उन पोशीदा राजों का पता नहीं जो अल्फाज आपस में फौज बात करती हैं तो वहां पर जाकर आपका सर चकरा जाएगा कि मुझे तो इन अल्फाज की समझ नहीं आती और आखिर में क्या होगा कि आप आपके ऊपर मौत भी वाकई हो सकती है 그리스도를 아는 사람은요 하나님의 비밀이 굉장히 쉽습니다 जी और मेरे जीजो वो लोग जिनके ऊपर मसीह खुदावन का भेद अयां कर दिया गया है जाहिर कर दिया गया है उनके लिए इस बात को समझना कितना आसान है 구원받았어도요, 그리스도 잘 모르는 사람은요, 뭐 굉장히 갈등이 많고 상처가 많고 시험을 많이 들고 그래요. 지, 펄스 करें कि किसी शख्स ने निजात हासिल कर ली है, लेकिन उसको मसीह खुदावन के बारे में पता नहीं, उसको निजात का पूरा इल्म नहीं है, तो वो किस तरह आगे तरक्की कर सकता है? हर वक्त उसको परेशानियां घेरी रखती हैं और उसको कलाम के मानी समझ नहीं आते। 그래서 교회 안에서 종교 생활하면은 그렇게 힘들어요. और वो वो लोग देखें जो मजहब की प्रस्तुति करते हैं ये उस इस शख्स का जो ये कहता है कि मैं निजात चाहता हूं लेकिन उसको मसीह के बारे में सही इल्म नहीं उसका मजहब के किसी का मानने वाले की तरह एक हाल होगा। 율법주의 그 정말로 그것도 힘듭니다. 신비주의 그것도 힘들어요. 어,और देखें कि वो लोग जो शरीयत के पाबंद हैं शरीयत पर अमल पैरा होना कितना बड़ा मुश्किल काम है या वो लोग जो किसी मजहब के पैरोकार होते हैं उनको नेक इमाल करने में कितनी दुश्वारियां आती हैं आपरो चासे कोंगबाल कशिन데요 율법주의 종교생활 신비주의 거기에 왜 빠집니까 그리스도의 비밀을 모르니까 빠져요 और क्यों लोग मजहब की प्रस्तुति करते हैं क्यों लोग शरीयत की तरफ भागते हैं या क्यों लोग नेक इमाल करते हैं या फल्सफे को हासिल कर क्योंकि उनको मसीह खुदावन के बारे में इल्म नहीं है एबेसोसो 2장 3절 2절 3절 6절까지 보니까 뭐라고 그러는 겁니까? 그 안에는 특히 3절에 보니까 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰져 있다는 겁니다. और इफिसियों दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर छठी आयत के मुताबिक और खास तौर पर तीसरी आयत में हम देखते हैं कि उनमें हम सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे जो अब नाफरजंदी नाफरमानी के और तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे 그러니까 감춰져 있으니까 찾아야 되죠.
जी सो मेरे अजीजों चूंकि हमारे ऊपर हम हमारे ऊपर खुदा का गजब था उसको उसका हल तलाश करने की जरूरत है कोलोसेसे 2장 2절 찾아야 okay. 되죠 देखिएगा कुलसियों दूसरा बाब दूसरी आयत कुलसियों दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है कमचोजो इसनिका 찾아야 되죠 पाकला में से देखिए खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने उरे चंदो हक्यो इ 강의를 통해서 여러분들 그리스도의 비밀을 찾아내시길 바랍니다. Okay, 메레 시조 आप जो इस वक्त खुदावन के कलाम को सीख रहे हैं मेरे साथ देखिए कुलसियों दूसरा बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत को ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं आमीन आमीन 그러려면은요 창조 하나님의 창조부터 우리가 접근해 봐야 돼요. 지, 어, 메레 지조, 함에 잔네기 즈르르테, 잡 함네, 후다운케 클람코 퍼크네, 우스키 잔치 퍼탈카니아, 또 삽세펠레, 함 데케케 후다네, 워조 카드 후다헤, 잡 우스네, 칼카트코 페다키아. 자, 그러면은, 하나님은 창조하실 때, 창세기 1장 27절에요. 하나님의 형상대로 인간을 창조하셨어요. 지. और मेरे जीजो जब खुदा ने इस कायनात को खलक किया तो हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत के मुताबिक के और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया नर और नारी उनको पैदा किया आमीन 아멘. 하나님의 형상대로 창조받은 인간에게 하나님은 정복의 축복을 허락하셨습니다. 지, और मेरे जीजो जब खुदा ने इंसान को खलक किया तो खुदा ने अपनी सूरत पर हमें पैदा किया और 28वीं आयत हमें बताती है कि खुदा ने उनको बरकत दी है. 세상을 정복하고 다스리고 생육하고 번성의 축복을 하나님의 형상 입은 자들에게 허락하신 거죠. और खुदा ने लिखा है खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकून करो आमीन 이것이요 2장 7절에 창세기 2장 7절에 하나님이 더 인간을 창조하실 때 더 구체적으로 설명하는데 그 코에 생기를 불어넣으셨다 그러는 겁니다. 지, और मेरे जीजो पदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी सातवीं आयत के मुताबिक हम देखें तो लिखा है कि खुदावन खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ आमीन आमीन 2장 8절에 보니까 그 하나님께서 동산에 에덴을 에덴의 동산을 꾸며주셨어요. 거기서 살도록 만드신 거예요. 지, और मेरे अजीजो खुदा ने जब इंसान को खलक किया है यानी इंसान को मट्टी से बनाया उसके नथरों में जिंदगी का दम और आठवीं आयत हमें बताती है कि खुदा ने इंसान को बाग में जो बागे अदन था अदन के बाग में इंसान को रखा ई एदेनियो 하나님이 만드신 동산으로요 보좌와 직통으로 연결되는 동산입니다 지, और मेरे अजीजो ये बड़ा खूबसूरत बाग खुदा ने जमीन पर उगाया और वहां पर उस इंसान को रखा और खुदा उनके साथ ठंडे वक्त में बातचीत करता था मोदन चंबो दासरीको बोनसोगो सेंग्युगाने गसि एदेन अनेसेने मेचिन हेंगबोगरो नातानाजो जी और मेरे जीजो ये एक बड़ी खूबसूरत जगह थी बाग था जहां पर हर एक चीज वाफर مقدار में मौजूद थी इंसान के लिए करंदे ये एदेन डोंगसाने साकनी सेंगिनन गब्निदा जी लेकिन मेरे जीजो उसके बाद हम देखते हैं कि इस बागे अदन में एक बड़ा अजीब वाक्या रोनमा हुआ यह साकनी पारो चांसे 3장 사건이요 जी और मेरे जीजो पदाइश की किताब तीसरे बाब में इस इब्रतनाक वाक्या का जिक्र हमें मिलता है सादानी
유혹을 해서 범죄하게 만들고 하나님을 떠나게 만드는데 하나님과 언약이 파기되게 만들죠. 지, 오늘 메레 지저, 하나님의 저 인간과 사이에 एक अहद बांधा था यहां पर हम देखते हैं कि इस वाकये में यानी पैदाइश की किताब तीसरे बाब में शैतान ने उस अहद की अहद को तोड़ा है और शैतान ने इंसान के लिए मौरूसी गुनाह को वो लेकर आया है खुदा से जुदाई को पैदा किया है ये कि 죄가요 이때 지은 죄가 원죄라고 그럽니다. 원죄, 오리지널 신이라 원죄라고 그러고요. 그 원죄에서 시간이 흘러감에 따라 모든 인간 속에 자범죄가 가득 찬 거예요. 지, और मेरे अजीजो वो जो गुनाह हुआ हम उसको ओरिजिनल सिन या मौरूसी गुनाह का नाम देते हैं और सारी की सारी बीमारियां सारी की सारी मुश्किलात उसी गुनाह की वजह से और उसी गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा हो गई 인간에게는 여기서 빠져나올 힘이 없어요. 이미 사단에게 잡혀버렸고 죽음에 처해버렸기 때문에 사망의 선고가 되어버렸기 때문에 여기서 빠져나올 길이 없어요. 지, 메레 지저 샤탄이 인간을 부리 따라서 잡을리야, 어, 인간 사례가 사라 샤탄의 시간제에 아가, 우스 모루시 군아세, 우스 라나세, 우스 제한남기 악세, 우스 모드세 니클라, 인간의 바스기 바트나리. 이때 하나님이 언약을 주십니다. 지, 어잡 인간의 바스키 바트나리, 또 하나님이 아프네 에헤드코 인간의 사트 가임기야. 창세기 3장 15절입니다. 지, 어예헤 에익 에헤드, 하마리리 후시카 헤드케 파다이시키 키탑 티사 바브르스키 15미 헤드 파클라메 리카 메 테레 어 어렛케 드르미안 어 테리 나슬 어 어렛키 나슬케 드르미안 아다왓 달룽가 वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा आमीन 여자의 후손을 약속하신 जी और यहां पर बड़ा खूबसूरत लफ्ज मिलता है कि औरत के दरमियान औरत की नस्ल का जिक्र मिलता है 여자의 후손은 그리스도를 이야기하는 겁니다 जी और औरत की नस्ल से मुराद है मसीहा मसीह खुदावंद 여자의 후손 그리스도께서 사단에게 잡혀 있는 인간을 해방시키시고요 죄의 문제를 해결해 주시고 하나님을 떠난 인간에게 하나님을 만나도록 이렇게 길을 열어 주시는 거예요. 지, 어, 메레 지저, 이게 좀 뭐라, 후시가 배감 밀다 해, 빨리 후시가 비샤르트 야한번 좀 밀디 해, 티세 밥기 판드르미 앗메, 마시케 바레메, 뭐 마시하 건호가, 야, 뭐 마시케 사이가, 저 샤탄 게 사르코 쿠츠레가, 어, 저 구나세라 하이딜라이가, 어, 저 후다, 인산 게 들면 주다이 빼다오기티, 뭐, 라스타 디카에가 이것이 근본 문제거든요. 이 근본 문제에서 모든 이 세상에 지금 우리가 당하고 있는 문제가 파생이 됐는데 이 근본 문제를 여기서 해결하기 때문에 그 뒤로 예수 믿으면 이 땅의 모든 문제가 해결하는 길이 쫙 열린 거예요. 지, 오늘 메레 지저 샤탄 की वजह से उस मौरूसी गुनाह की वजह से खुदा से जुदाई की वजह से जो इंसान के अंदर मुश्किलात आ चुकी थी जो जितनी की दुनिया में हम रहते हुए जितनी मुश्किलात को देखते हैं जो रोजमर्रा हम हमें जिन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है वो सारी की सारी इस मौरूसी गुनाह की वजह से इन तमाम मुश्किलात से छुटकारा दिलाने के लिए मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए आमीन हालेलुया आमीन 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 हालेलुया जी सब बोलिए आमीन हालेलुया 여러분들이 그게 이 그리스도 하나님의 언약 속에 딱 들어와서 얼마나 감사한지 몰라요. 지, 어, 메레 지저, 함, 네히, 잔테, 캠, 키스트라세, 후다가, 슈크리아, 다, 그래, 캐, 후다니, 앞니, 쿱스럿, 모합벗, 베시키멋, 모합벗, 캐, 바이스, 마시, 후다만, 코, 이스트니아메, 베자. 자, 그렇다면은 그리스도에 대해서 알아봐야 되겠죠. 지, 소, 메레 지저, 우스, 마시, 캐, 바람에, 잔나, 바라, 즈루리, 해. 그리스도라는 단어의 뜻이요. 지, 어, 마시가 맞는 게 해? 그리스도라는 단어 낱말의 뜻입니다. 지, 어, 메레지저, 마사슈다, 지스코 마사 키야 잤다 해? 기름 부음을 받은 자라는 뜻이에요. 지, 어, 지스코 테일 케 사트 마사 키야 잤다 해?
구약에는 히브리어로 기록되기 때문에 구약 성경이 구약 히브리어로는 메시아고 신약에는 신약 성경이 헬라어로 기록이 됐기 때문에 헬라어로는 그리스도입니다. 지 और पुराने अहदनामे में इब्रानी जुबान में मसीहा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और नए अहदनामे में यूनानी जुबान में वो मसीह के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या मसीह कहा जाता है 그러면은 누구에게 기름을 부었습니까? 누구에게요? 왕에게 기름 부어 가지고요. 왕의 일을 왕을 임명합니다. 지. और आप सब जानते हैं कि पुराने अहदनामा में एक बड़ी हस्ती यानी बादशाह का जिक्र मिलता है जिसको तेल के साथ मसा किया जाता था और उसके बाद वो बादशाह कहलाता 제사장에게 기름 부어서요. 제사장의 직분을 맡겨요. 지. और मेरे जीजो जैसे जब काहिन को मखसूस किया जाता उसके सिर सर पर तेल उंडेला जाता तब जाकर वो काहिन कहलाता मखसूस शुदा काहिन 선지자에게 기름 부어서요. 하나님의 말씀을 전하게 하고 하나님을 만날 수 있도록 길을 열어 놓으시는 거예요. 지. और मेरे जीजो पुराने अहदनामे में तीसरी बड़ी हस्ती का नाम जो जो ओहदा मिलता है वो है नबी का ओहदा जिसके ऊपर तेल उंडेला जाता उसको मसा किया जाता ताकि वो खुदा का कलाम सुनाए और लोगों को खुदा की राह के बारे में बताए यो 창세기 3장 사건으로 인해서요. 이 땅에 사단이 왕 노릇하고 돼 있어요. 지 और मेरे जीजो जो पैदाइश की किताब में जो मुश्किलात का आगाज हुआ यानी शैतान का गुनाह का और खुदा से जो जुदाई थी उनको दूर करने के लिए यानी शैतान के सर को कुचलने के लिए मसीह खुदावन बादशाह होकर आए हकीकी बादशाह 사단을 따라서요. 수없는 원죄로부터 시작해서 수없는 잡음죄가 기승하는데 죄로 인하여 심판을 받을 대상이 되어 버렸어요. 지 और पैदाइश की किताब तीसरे बाब में जो शैतान गुनाह इंसान के अंदर लेकर आया उस गुनाह को धोने के लिए उस मौरूसी गुनाह पर कब्जा पाने के लिए धोने के लिए मसीह खुदावन हकीकी काहिन होकर आए ताकि उस गुनाह को धो सके 하나님 없이요. 지옥 같은 세상에서 하나님 없이 사는 거예요. 방황하고 사는 겁니다. 지, और मेरे जैसा इंसान के लिए जहन्नम की आग से निकल जाना मौत से निकलकर आने का कोई रास्ता नहीं था सो उस रास्ते को बनाने के लिए खुदा से मिलाने के लिए मसीह खुदावन हकीकी नबी होकर आए ये मुंजे를 해결해야 되잖아요, 이 문제. 지, सो मेरे जैसा इन तीनों मुश्किलात को दूर करना जरूरी था 그래서요. 사단을 이길 왕이 나와야 돼요. 지, 소 샤탄 को सर को कुचलने के लिए बादशाह का आना हकीकी बादशाह का आना जरूरी था. 죄 문제를 해결하고 원죄와 자범죄 모든 죄 문제를 해결하는 제사장이 일어나야 돼요. 지, और मेरे जीजो मौरूसी गुनाह को धोने के लिए असल जुर्म को धोने के लिए असली गुनाह को बुनियादी गुनाह को धोने के लिए काहिन की जरूरत थी. इसलिए हकीकी काहिन होकर मसीह खुदावंद आए. 이제 지옥에서 벗어나서 하나님을 만나는 선지자가 일어나야 됩니다. 지, so मेरे जीजो जहन्नम की आग से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, so वो रास्ता दिखाने के लिए कि खुदा से किस तरह से मिला जा सकता है, मसीह खुदावंद हकीकी नबी होकर आए. 하나님께서요 최초에 주신 언약 창세기 3장 15절 여자의 후손 그 여자의 후손 그리스도가 이 일을 하시는 겁니다. 지, और मेरे जीजो और जो पैदाइश की किताब तीसरे बाब की 15वीं आयत में हमारे साथ वादा किया गया था खुदा ने एक अहद इंसान के साथ बांधा था कि औरत की नस्ल से जो मसीहा आएगा वो क्यों मसीहा आएगा इन तीनों मुश्किलात पर काबू पाने के लिए ये शैतान पर मौरूसी गुनाह पर और जहन्नम की जो आग थी उस पर काबू पाने के लिए मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए यीशुनी में ओशसयो योहान복 예수님 오셔서 요한복음 19장 30절에요. 십자가 위에서 예수님 오셔서 싹 다시요. 다시. 무카데스 요한나 긴질. 예? 요한복음 요한 1서 3장 8절. 오케이. 예, 알겠습니다. 아, 무카데스 요한나가 पहला आम खत. 무카데스 요한나가 पहला आम खत.
요한일서 3장 8절 하나님이 죄를 짓는 자마다 다 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이니라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 아멘. 오케이. 무카드스 요한의 पहला आम खत उसका तीसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है जो शख्स गुनाह करता है वो अब्लीस से है क्योंकि अब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अब्लीस के कामों को मिटाए आमीन 아멘. 요한복음 19장 30절 예수님께서요 십자가 위에서 뭐라고 그래? 다 이루었다고 합니다. 모든 죄 문제 쏙쏙들이 다 해결하신 거예요. 네. और मेरे जीसो मसीह खुदावन ने सलीब पर जान देने से पहले मुकद्दस योहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में कहा पस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी आमीन 자기 자신이 십자가의 제단 위에 자기 자신을 제물로 드려서 하나님께 모든 피의 제사를 완전한 제사를 하나님께 드림으로 영원의 죄 문제를 해결하신 겁니다. 지, और मेरे जीसो जो मसीह खुदावन ने मुकद्दस योहन्ना की इंजील 19वें बाब की 30वीं आयत में फरमाया कि तमाम हुआ और वो किस लिए इस दुनिया में उस मौरूसी गुनाह को उन्होंने धो डाला उन तमाम गुनाहों को मौरूसी गुनाहों को हमारे तमाम गुनाहों का फिदिया देने के बाद मसीह खुदावन ने कहा तमाम हुआ 이렇게 해서 요한복음 14장 6절 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 하나님을 만나는 길을 쫙 열어놓으셨어요 जी और मेरे जीसो मुकद्दस योहन्ना की इंजील 14वां बाब उसके 6वीं आयत में यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता और मेरे जीसो मसीह खुदावन को चूंकि हम हकीकी नबी के तौर पर देखते हैं तो उन्होंने खुदा से मिलने का रास्ता दिखाया 그래서 기름 부음을 받은 자가 누구냐 예수님이요 जी सो मेरे जीसो वो मसाशुदा हस्ती कौन थी वो जिसको हम मसीह कह सकते हैं वो है खुदावन यीशु मसीह 그래서 예수님이 그리스도라 그렇게 고백을 하는 겁니다. 지, so मेरे जीसो हमने यीशु का इतराफ किस तरह करना है कि यीशु ही मसीह है 여러분 우리 저 여섯 개 연합 그 해서 모였는데요. 여섯 개 모든 전도 학교가요. 교회들이 오늘 여러분 참석하신 여러분들 성경 구절을 잘 기록하세요. 지, 그래 가지고요. आप जब रात को सोने से पहले इन तमाम हवाला जात ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं इनको जरा दोहराई करें घर जाकर इनको बार-बार लिखें 하나님의 말씀은요 한 번 한 구절을 가지고도요 평생 우리가 구원과 하나님의 모든 축복을 다 누릴 수가 있어요 जी और मेरे जीजो अगर आप खुदावन के कलाम का एक हिस्सा भी थाम लेते हैं खुदावन यीशु मसीह का आप इकरार करते हैं तो फिर देखें आसमान की तरफ से आपके ऊपर बरकत किस तरह नाज़िल होती है 하나님의 말씀을 들으면서요 적으면 노트를 하면은요 벌써 몇 번을 듣게 되는 거예요 जी और मेरे जीसो जब आप खुदावन के कलाम की कोई आयत देखते हैं उसको बार-बार लिखें ज़हन में दोहराएं उसको हिफ्ज करें और उसको अपने दिल में जगह दें 내가 듣지요 쓰면서 한번 듣지요 쓰면서 생각을 하게 돼요 그 손으로 듣지요. 내가 귀로 듣지요. 마음으로 또 들어요. 지. और मेरे जीसो जब आप बार-बार लिखते हैं एक दफा याद कर लें फिर उसको लिखें और जब उस कलाम को आप लिख रहे होंगे हाथ से उसको लिखें दिल से उसको कबूल करें और अपने ज़हन में दिल और दिमाग में उसको जगह दें 마음으로 들으면서 하나님이 또 그 연결해서 나에게 주시는 깨달음이 있어요. 그건 하나님께서 주시는 말씀이요. जी और मेरे जीसो जब आप हवाले को बार-बार लिखते हैं उसके बारे में सोचते हैं उसको अपने दिल में बिठाते हैं और उस कलाम को जब आप अपने दिल के जरिया से कबूल करते हैं तो फिर देखें कि सोचें कि ये कलाम किसके लिए है ये कलाम तो मेरे लिए है 전도하는 사람들은요 그 노트를 이제 전도하기 전도해야 되기 때문에 하나님 말씀을 이제 살펴봐야 되잖아요. 그 노트를 다시 살펴보면서 또 한 번 더 들어요. 그리고 그걸 기도하면서 또 들어요. 그리고 다른 사람에게 전하면서 내 입으로 전하고 또 내 귀로 또 들어. 이렇게 해서 노트가 그렇게 중요합니다. 지, 오늘 메레지죠. 아, 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 아,
इसको बार-बार और मैं आपको बताता हूं कि जो मुबशरीन हैं वो क्या करते हैं कि जो नोटबुक के ऊपर कलाम वो लिखते हैं उसी के मुताबिक होकर वो दुआ करते हैं और जब अपनी जुबान से दूसरे के पास जाकर कलाम को सुनाते हैं उसी नोटबुक से होकर देकर सुनाते हैं जब वापस आकर उन लोगों के लिए दोबारा दुआ करते हैं उसी नोटबुक के ऊपर से उस कलाम को देखकर उसको अपने दिल में रखकर दुआ करते हैं अच्छा 그래서 예수님이 그리스도라고 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 하고 고백하는 것이 얼마나 큰 축복인가 주님이 알려주시는 거예요. 메레 지조, 내가 아까 बताना चाहता हूं कि जब आप मसीह खुदावन का इतराफ करते हैं, मसीह खुदावन पर ईमान लाते हैं, बार-बार इतराफ करते हैं तो यह आसमान की तरफ से आपके ऊपर कितनी बड़ी बरकत नाज़िल होती है जब आप कहते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है. 마태복음 16장 16절 여러분 아시죠? 예. 오케이. 무카데스 마티 인지일 उसका 16वां बाब 16वीं आयत के बारे में क्या आप सब लोग जानते हैं जहां पर लिखा है शमौन पत्रस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है. आमीन. 예수님이 이 고백을 했더니 예수님이 주시는 축복을 보세요. 바요나 시모나 네가 복이 있도다. ओके okay. और मेरे अजीजों जब मसीह खुदावंद ने जब मुकद्दस पत्रस ने एतराफ किया है तो मसीह खुदावंद ने जवाब में से कहा मुबारक है तू शमौन बरयूना क्योंकि यह बात गोश्त और खून ने नहीं की बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है. 어떻게 내가 그리스도인 것을 알았냐? 이것은 사람 생각으로 사람 지식으로 알아내는 것이 아니다. और मसीह खुदावंद ने कहा कि यह बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि खुदा ने खुदा ने तुझ पर जाहिर की है यह खुदा की तरफ से तुझे पैगाम मिला है. 하늘에 계신 아버지께서 알게 하셨구나. 하나님이 지식을 주신 겁니다. 최고의 지식을. और मेरे जीजो जो हमारा खुदा बाप आसमान पर तख्त नशीन है उसने यह बात मुकद्दस पत्रस पर अया की थी जाहिर की थी. 그러면서요 너는 반석이다 그래요. और यहां पर लिखा है कि उसको पहली जो बरकत मिली कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. हंदलीजी अन्नन इंसें जी. और मेरे जीजो ये कितनी बड़ी बरकत थी कि पत्थर के ऊपर जो चीज पत्थर पर लिखी जाती है वो अब्दी हो जाती है. फंसक कथम विदम जी. और देखे कि ये पत्थर जैसा ईमान पहाड़ जैसा. 여러분 가정이 아무리 가난해도 혹시 여러분 가정에 무슨 문제가 생겨도 흔들리지 않는 믿음. 지. और मेरे जीजो फर्ज करें कि आपके घराने के ऊपर बड़ी मुश्किलात हैं परेशानियां हैं लेकिन वो सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं एक ऐसा इतराफ है. 핍박이 와도 흔들리지 않는 믿음. 지. और मेरे जीजो एक ऐसा ईमान जो कभी लर्जा नहीं होता जिसको कोई शिकस्त नहीं होती. 여러분 그런 믿음이 되시기를 바랍니다. 반석 같은 믿음이 되세요. 지, और मेरे जीजो मैं चाहता हूं कि खुदा करे कि आपके अंदर भी ऐसा ईमान हो पत्थर जैसा ईमान. 그래서요 주님이 말합니다. 이 반석 위에 내 교회를 세우리라. 지, और मसीह खुदावंद ने जो वादा किया कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. 주님이 세우시는 교회는 예수님이 그리스도라는 오직 고백을 하는 그 교회 주님이 주인 되시고요. 주님이 이끌어 가십니다. 지. और मेरे जीजो हकीकी कलीसिया कौन सी है जिसका यह ईमान है कि यीशु खुदा का जिंदा खुदा का बेटा मसीह है. 우리가 이 고백 가지고 가정에 가면 가정에 모여서 가정 교회가 되거든요. और मेरे जीजो जब आप इस ईमान के साथ अपने घर में दाखिल होते हैं अपने अपने बच्चों को देखते हैं अपनी बीवी को देखते हैं अपने खानदान को देखते हैं तो उनके अंदर भी ऐसा ही इतराफ करवाएं उनको भी इस ईमान की तरफ लाएं. 우리가 가정에 딱 들어가서 모였을 때에 함께 있을 때에 주님이 이 가정을 세우시는 거예요. जी. और मेरे जीजो जब आप अपने खानदान के साथ इस बात का इतराफ करते हैं कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है तो फिर आपके खानदान के लिए भी बरकतें हैं. 여기 모인 여섯 교회는 전부 다 주님이 직접 세우시는 교회 되시기를 바랍니다. 메레 지조, 아홉 저 छह इस वक्त बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हैं आप खुदा की जिंदा कलीसिया हैं आप हकीकी कलीसिया पत्थर पर बनी कलीसिया हैं.
여러분 교회를 주님이 직접 축복하시고 주님이 직접 세우시고 주님이 직접 머리가 되시고 여러분들은 주님의 몸이 되시기를 바랍니다. 지, 오늘 메레 지소, 아홉 주께 하나님의 하키키 클리시아의 하나, 아스만의 드라마의 콜파, 콜카, 아파, 버크테 나즐 프르마나 차타, 하나, 아파, 보호자, 바라, 이만, 아타 프르마나 차타, 하나, 하나, 아파, 아파, 버크테. 주님은요, 주님은 처음에요, 부활하시고 승천하시고 난 다음에 교회 하나 가지고 전 세계를 장악했어요. 지, 오늘 메레 지소, 마시, 하나님의 हमारे खातिर स्लीप पर दुख सहने के बाद मुर्दों में दफन होने के बाद और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद इस कलीसिया को बनाया है। 초대교회 처음에 세워질 때는 다락방에서 세워졌잖아요. जी और मेरे जीजो आप किस तरह जानते हैं कि कौन सी पहली कलीसिया है जब मुकद्दस मरकज के बालाखाना पर तमाम शागिर्द मुकद्दसीन की 120 की जमात थी वहां पर पहली कलीसिया मार्ज़े वजूद में आई। 그 다락방에 모인 사람들 성도들은 전부 다 가난했어요. 지, 오늘 메레지조, 이 삽게 삽 그립 록테, 조 우스 무카다스 마르크스케 발라카나메 마주테. 돈은 그 교회를 다락방 교회를 핍박하는 자들이 다 가지고 있었어요, 힘도. 지, 오늘 메레지조, 워 록 유디오케 다르세 에 카메레메 반테, 오늘 우스 왁 자 워 두아 카레테, 또 피룬 카 이만 버타 찰라기야. 그 초대 교회가요. 작은 교회, 가난한 교회가요 확산되고 나아가다가 아시아, 마게도니아, 로마까지 가서 로마를 결국은 정복했습니다. 지, 오늘 메레지조, 이게 एक छोटा चर्च, 이게 एक छोटी क्लिसिया, यानी 120 लोगों की जमात, जो गुरबत का शिकार थे, जिनके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा नहीं था, लेकिन आप देखें कि खुदा की कुदरत की बदौलत, वो पूरे एशिया में वहां एशिया से मकदूनिया में और मकदूनिया से रोमा में जाकर वो मुनादी करने के काबिल ठहर सके। 음부의 권세가 이기지 못하리라 주님이 세우시니까 जी मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे कभी उस पर غالب ना आएंगे क्यों क्योंकि इस चर्च को इस कलीसिया को खुदा ने बनाया है। 천국 열쇠를 주리라 जी और उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा 열면 닫을 자가 없고 닫으면 열 자가 없는 주님이 네 앞에 열린 문을 두었느니 이렇게 이야기합니다. 메레 지소 함 인산 होते हुए या उस वक्त के जो शागिर थे कोई दरवाजा नहीं खोल सकते थे लेकिन आसमान की कुंजियां उनको दी गई आसमान की बादशाही की कुंजियां उनको अता की गई ताकत अता की गई 여러분 앞에 하나님께서 주님이 직접 열면 닫을 자가 없고 닫으면 열 자가 없는 주님이 여러분 앞에 은혜의 문을 열어주시고 경제의 문을 열어주시고 전도의 문을 열어주시고 교회의 부흥의 문을 열어주시기를 바랍니다. और मेरे जीजो जब आप भी खुदा की बरकात के नीचे आएंगे तो खुदावन खुदा आपको अपनी पाक बरकात से मालामाल करेगा मुनादी के दरवाजे खुदा आपके लिए खोल देगा आप किस तरह से मुनादी कर सकते हैं आपके लिए मुनादी के वसाइल मुहैया हर किस्म का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा ये कोबेगर हन जेजादरी पुआराशिन चुनीमे मेंग्योंगल तारासा गमनामसानरो मोल्योमिदा गमनामसानेसो मोयोस्मिदा जी और मेरे जीजो मसीह खुदावन जब जिंदा हो गए थे तो वो शागिर जिन्होंने मसीह खुदावन का एतराफ किया था कि तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है वो मुलाकात करते हैं जैतून के पहाड़ पर वो मिलते हैं योगीसयो चुनीमन जेजादरेगे चिपचुंगजोंगरो हेया देल इलल करेख्योजोयो जी और मेरे जीजो मसीह खुदावन चूंकि उस वक्त आसमान की तरफ जाने वाले थे तो आसमान पर जाने से पहले मसीह खुदावन ने बड़ी खास तालीम उनको दी कि किस तरह से उन्होंने मसीह खुदावन के बगैर इस दुनिया में जिंदगी बसर करनी है पुआराशिन जुनीमी 40일 동안 그들에게 보이시면서 뭘 하냐 하나님 나라의 일을 얘기하셔요 जी और मेरे जीजो मसीह खुदावन जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों को 40 दिन नजर आते रहे और उनको खुदा की बादशाही के बारे में तालीम देते रहे 하나님 나라를 설명하시고요 그리고 하나님 나라의 미션을 주십니다 जी और मेरे जीजो मसीह खुदावन आसमान की बादशाही के बारे में तालीम देते रहे और फिर आसमान की बादशाही के बारे में मिशन अता किया
미션을 주신데 이 미션이 부활 메시지예요. 지, 아, 이게 메레 세서 뭐 미션 क्या था? 뭐 जिंदा होने का पैगाम है. 마태복음 28장 18절로 20절. 오케이. 아, 메레 사 देखिएगा मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 18वीं आयत से. 마가복음 마태복음 28장 18절로 20절. 마가복음 16장 17절로 20절. 오케이. 페헬라 저 하발라 है वो है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत और मुकद्दस मरकज का हवाला है 16वां बाब 17वीं आयत से 20वीं आयत. पहले मैं मुकद्दस मत्ती का हवाला तिलावत करता हूं. पाकला में लिखा है यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है. बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया. और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. और मुकद्दस मरकज का जो हवाला है उसको भी मैं आपके लिए तलावत करता हूँ. 16वां बाब मुकद्दस मरकज की इंजील 16वां बाब उसकी 17वीं आयत से पाकला में लिखा है और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे. वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा. वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे. गर्स खुदावन यस्सु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया. फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजों के वसीला से जो साथ साथ होते से साबित करता रहा. आमीन आमीन. 여기까지 다 읽었어요? 아니요. 마카복음까지. 마태복음까지? 아, 마가복음은 예. 네. 마가복음 16장 아니요. 17절로 20절은 만민에 가서 치료하라 말씀하셨고요. 메레 지조 무카다스 마르케스 인질 के मुताबिक जो पादरी साहब ने हवाला अभी बता रहे हैं कि उसमें हमें कहा गया कि किस तरह से इंजील की بشارت देनी है. 요한복음 21장 15절로 18절에는 내 양을 쳐라. 특히 거기에서 내 어린 양을 먹여라 그런 거예요. 렘넌트들을 세우라 하는 거예요. 오케이. 무카다스 요한나 인질 उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत के मुताबिक लिखा है और जब खाना खा चुके तो यस्सु ने शमौन पत्रस से कहा ए शमौन योहन्ना के बेटे क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है. उसने उससे कहा हाँ खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ. उसने उससे कहा तू मेरे बर्रे चरा. उसने दोबारा उससे फिर कहा ए शमौन योहन्ना के बेटे क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है. उसने कहा हाँ खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ. उसने उससे कहा तू मेरी भेड़ों की गला बानी कर. और उसने तीसरी बार उससे कहा क्या तू मुझे अजीज रखता है. इस सबाब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा ए खुदावन तू तो सब जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ. यस्सु ने उससे कहा तू मेरी भेड़े चरा. मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा हो गया होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा. आमीन आमीन. 그리고요, 그 사도행전 1장 8절에 이 미션을 이룰 수 있는 힘을 약속하십니다. 지, और मेरे जीजो इसी तरह से मसीह खुदावन ने रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में हमें एक मिशन अता किया है, लिखा है, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे. आमीन आमीन. 그 약속대로 아버지의 성령으로 충만한 제자들이 이제 현장을 나갑니다. 그것이 사도행전 3장이에요. 오케이. 어 메레 지조 मसीह खुदावन ने जो वादा किया था यानी रसूलों के माल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत के मुताबिक शागिर्द जो हैं वो मिशन के मैदान में जाते हैं. रसूलों के माल तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत के मुताबिक रसूलों के माल तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है पत्रस ने यह देखकर लोगों से कहा ए इसराइलियों इस पर क्यों तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया. 이 사도행전 현장에 지금 우리까지 지금 계속되고 있어요. 교회사 안에서. 지, और मेरे जीजो जिस तरह मुकद्दस पत्रस और मुकद्दस योहन्ना ने मुनादी की है वो मुनादी चलती चलते आज
हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है 초대교회 예루살렘 마가 요한의 다락방에서 시작한 교회 운동이 지금 우리 단체가 다락방 운동으로 그걸 해보하고 있습니다. 그것을 거의 500년 만에 종교개혁 이후로 다시 회복된 시간표라고 이렇게 말할 수가 있어요. और मेरे अजीजों जो मुकद्दस मरकज के बाला खाना से रूहुल कुद्दस की तहरीक की बदौलत रूहुल कुद्दस की कुदरत की बदौलत जिस कलीसिया का आगाज हुआ और जिन्होंने मुनादी का काम शुरू किया वो मुनादी चलते चलते शागिर्द होते होते वो काम हम पर आ पहुंचा है और आज ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बाहर निकलें मुनादी करें और 5000 दुनिया की जो अकवाम है उनमें जाकर खुदावंद के कलाम को की मुनादी कर सकें ये 우리 다락방 전도 운동은 성경적이구나 철저하게 성경 중심이에요. 그리고 다락방 전도 운동은 오직 복음 운동이에요. जी और मेरे अजीजों ये अंजील की जो बशारत है जो मुकद्दस मरकज के बाला खाना से शुरू हुई अंजीली मुनादी अंजीली बशारत जो है ये है हमारा असल मिशन हमारी जो तहरीक होनी चाहिए उसका मकसद खुदा के कलाम की मुनादी होना चाहिए 오직 복음 운동이면서요. 이 운동을 지속할 수 있도록 하기 위해서 후대 렘넌트들을 세우는 운동입니다. 지, और मेरे अजीजों हकीकत में देखें तो अंजील की मुनादी क्या है? बाइबल मुकद्दस का मेन मकसद भी यही है कि हम मुनादी करें और ये मुनादी आपकी आगे कहां तक चलनी चाहिए? अपनी औलाद को अता करें ताकि वो भी बाहर जाकर मुनादी करें 237 나라 5천 종족을 살리기 위해서 세계 전 세계 237개 나라 세계 모든 나라가 273개 이렇게 평균으로 나오거든요. 그리고 5천 종족이 더 많고 적기도 하겠지만 5천 종족 정도 되면은 세계 모든 종족의 복음이 들어가게 돼요. 지, और मेरे अजीजों हमने किस तरह से मुनादी करनी है दुनिया में टोटल जो इस वक्त ममालिक आ रहे हैं वो है दुनिया के 237 ममालिक और 237 ममालिक में 5000 अकवाम आबाद हैं हमने दुनिया के 237 ममालिक में और 5000 अकवाम में मसीह खुदावंद के नाम का प्रचार करना है मसीह खुदावंद के कलाम को सुनाना है मसीह खुदावंद के कलाम की मुनादी करनी है 지금 그렇다면은 우리가 하고 있는 중심의 메시지가 뭡니까? 다락방 전동의 중심 메시지요. जी मेरे अजीजों जब मैंने कलाम को शुरू किया था तो मेरे अजीजों आज का हमारा उनवान क्या था अंजीली बिशारत की तहरीक का मरकजी पैगाम बाइबल के थारकपांग अंजीली बिशारत की तहरीक का मरकजी पैगाम जा थारकपांग जंदो उन्दों जुंगशिम मेसेजिनं 뭐냐 이거 잘 알아듣도록 하고 잘 여러분 적을 수 있도록 이렇게 요 글씨를 칼라로 합니다 예수 생명 운동입니다. 지, और मेरे जीजो थारकबांग अंजली बिशारत की तहरीक का जो मरकजी पैगाम है उसको आप जरा हाईलाइट कर लें यीशु जिंदगी की तहरीक है यीशु 생명 운동은 요한복음 1장 1절로 3절 중심이에요. और मेरे जीजो मसीह खुदावंद किस तरह जिंदगी की तहरीक है मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस योहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और पहली तीन आयत मुकद्दस योहन्ना की इंजील उसका पहला बाब जी साहब मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा मुकद्दस योहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली तीन आयत इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था यही इब्तदा में खुदा के साथ था सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई आमीन 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 그래서요 예수 생명 운동입니다 그래서 그리스도는요 유일합니다 그리스도는 유일해요 जी और मेरे अजीजों इसलिए हम कहते हैं कि जो यसु की जिंदगी है या जो यसु की जिंदगी की तहरीक है वो एक इनफरादी अहमियत रखती है योहन्नबोगम 14장 6절입니다 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라
아멘. 그리고 왜 하나님의 삶의 운동이 क्यों मसीह खुदावन की जिंदगी का जो पैगाम है वो इंफ्रादी हैसियत रखता है मुकद्दस योना की इंजील 14वां बाब 6वीं आयत में लिखा है यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता आमीन 사도행전 4장 12절입니다. 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없느니라. 유일성이요. ओके आमीन मेरे जीजो इसी तरह से इस जिंदगी के पैगाम को ये जो इंफ्रादी हसीयत रखता है इसको देखिए रसूलों के माल 4वां बाब 12वीं आयत और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके आमीन आमीन 그리스도는 사단을 이기는 유일한 길입니다 जी सो मेरे अजीजो शैतान को कुचलने का रास्ता है शैतान को शिकस्त देने का रास्ता यीशु है शैतान खुदा से मिलने का रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है 그리스도는 죄 문제를 해결하는 유일한 길입니다 जी सो मेरे अजीजो गुनाह को मरूसी गुनाह को धोने का रास्ता या मरूसी गुनाह को धोने के लिए हकीकी काहिन के रूप में आए 그리스도는 지옥에서 빠져 나오는 유일한 길입니다 जी सो मेरे अजीजो जहन्नम से निकलने का मौत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और मसीह खुदावन जो हकीकी काहिन होकर आए उन्होंने वो रास्ता दिखाया और खुदा से मिलने का रास्ता दिखाया 다른 길이 없다 그 말입니다 जी मेरे अजीजो और कोई रास्ता नहीं है और कोई वसीला नहीं जिसके वसीले से हम निजात पाए 그리고요 그리스도를 그리스도는 완전한 길입니다 जी सो मेरे अजीजो सिर्फ यही एक परफेक्ट रास्ता है कमाल का रास्ता है दनाई का रास्ता है कि मसीह खुदावन को कबूल किया जाए योहन복음 5장 24절 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명을 옮겼느니라 ओके मुकद्दस योहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत को देखें मुकद्दस योहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें आमीन रोमासो 8장 1절로 2절 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 그리스도 예수 예 읽어 주세요. 알겠습니다. 예. और मेरे साथ देखिएगा रोमियो 8वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत रोमियो 8वां बाब पहली और दूसरी आयत बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया आमीन आमीन हिब्रूसो हिब्रूसो यो ये हिब्रूसो 13장 8절이요 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다 아멘 ओके इब्रानियो 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत इब्रानियो 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है आमीन योहान केशिरोग 22장 13절이요 그리스도는 어떤 분입니까 처음과 끝이요 나중과 시작과 나중이요 알파와 오메가가 되십니다 아멘 और मुकाशवा 22वां बाब और उसकी 13वीं आयत को देखिए मुकाशवा यहन आरिफ का मुकाशवा 22वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा और इंतहा हूं आमीन आमीन 그리스도는 사단을 이기를 유일하고 완전하고 영원하고 जी और मेरे अजीजो मसीह कौन है जिसने शैतान के सर को कुचला जिसने मौरूसी गुनाह को दूर किया और जिसने खुदा से मिलने का रास्ता दिखाया 그리스도는 우리의 죄의 형벌에서 죄의 심판에서 빠져나오는 유일한 길이고 완전한 길이고 영원한 길이고 जी और मेरे अजीजो हमें मौत से निकालने का रास्ता हमारे लिए मसीह खुदावंद है हमें जहन्नम से निकलने का रास्ता मसीह खुदावंद है और हमें गुनाह से निजात पाने का रास्ता हमारे लिए हमारे मसीह खुदावंद है 그리스도는 하나님을 만나는 유일한 길이고 완전한 길이고 영원한 길이고 और मेरे अजीजो मसीह खुदावंद हमारे लिए हकीकी रास्ता है जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से खुदा से मिलना है 우리가 하고 있는 다락방 전도 운동은 예수 생명 운동입니다.
जी सो मेरे अजीजो जब आप अपने बालाखाना में मसीह खुदावन की मुनादी के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि मसीह ही हमेशा की जिंदगी है, यीशु की तहरीक जिंदगी की तहरीक है। तो उरी तारकपांग उन्दोंगन येशु नुक्योग उन्दोंगियो चलचेगे संगेंजेगिमिदा। जी और मेरे अजीजो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब आप मश्क करते हैं मुनादी करने की अपने बालाखाना पर बैठकर तैयारी करते हैं तो ये खुदा की कुदरत है, खुदा की ताकत को जाहिर करती है। ओनर उरिगा इल्गतचाने फम्मन एबेसो सीजांग 1절로 6절। जी और मेरे अजीजो जो आज हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा था इफ़सियों दूसरा बाब और उसकी पहली 6 आयत को, इफ़सियों दूसरा बाब और उसकी पहली 6 आयत में से आज हमने पैगाम को ढूंढा है। मोदुम मुंजे हेगेलचंगा क्रिस्तोमिदा। जी और जिसने तमाम मुश्किलात को हल किया, जिसने हमें जिंदगी ताकि वो है मसीह खुदावंद। क्वागो मुंजे हेगेलिमिदा। जी और जिसने हमें तमाम गुनाहों से निजात दिलाई है। हमरवा चेरो जुगत्तन नहीरल सालिशत्तदा क्वागो मुंजे हेगेलियो। जी और मेरे जीजो जो पहला पॉइंट भाई साहब ने लिखा है कि इफ़सियों दूसरा बाब और उसकी पहली आयत कि जो हमारे माजी के गुनाह थे उनसे जो हमें निजात दिलाई। एबेसो सीजांग 2절입니다। जी और इफ़सियों दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत के मुताबिक हमारे मौजूदा गुनाह। 6 전에는 우리도 다 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍족을 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 지금 불신자 속에 역사하는 귀신에 지금 우리가 따라갔었는데 지금 역사하는 그 문제, 현재의 문제 해결입니다. 지, or mere zizo tisiyat께 mutabik, if you do so about tisiyat, उनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानत तबई तौर पर गजब के फरजान थे। इसका मतलब है ये मौजूदा हालत को बताया गया है। जी और दूसरे बाब की 6 आयत को एक दफा सब मिलकर पढ़ेंगे। इफ़सियों दूसरा बाब और उसकी 6 आयत और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। आमीन। आमीन। 지금 우리가 여기 있는데, 여기 지금 이 땅에 살고 있는데, 주님께서는 하나님께서는 그리스도 안에서 이미 나를 하늘의 보좌에 앉혀놨다는 거예요. जी और मेरे जीजो इस वक्त अगरचे हम इस दुनिया में यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त आप बैठकर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक बड़ी खुशी की बिशारत है कि खुदा ने आपको आसमानी मकामों पर जगह दी, यानी मुस्तकबिल का हाल आपको बता दिया गया है। जी और मेरे जीजो खुदा ने आपको आसमानी मकामों पर बिठाया, आपको मुस्तकबिल की आपके लिए पेश गोई कर दी गई है। देगा चिकम यकी साल को इन्न दे हनाने में इमी चंगुगे नारल अंचन आतानं गमिदा। जी और मेरे जीजो अगरचे इस वक्त हम इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त हम दुनिया में बैठे हुए, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा इख्तियार मौजूद है कि हमें आसमान की बादशाही की खबर दे दी गई है। उरी तनाकपंग उन्दोन्यो चलचहगे येसु सेंग्म्योंग उन्दोंग्यो येसु नुक्योंग उन्दोंग्यमिदा। जी सो मेरे जीजो हमें जो जो जब आप बालाखाना में बैठकर मुनादी की तैयारी करते हैं, वहां पर बाइबल स्टडी करते हैं, वहां पर आप इबादत करते हैं, तो ये आपकी एक मश्क है। मश्क ये है कि आपके पास आसमान की शहरियत मौजूद है। तरकपंग उन्दोंगुन तो येसु चियो उन्दोंग्यमिदा। जी और मेरे जीजो तीसरी बात को देखें कि ये खुदा का पैगाम है हमारे लिए कि हमने किस तरह से मुनादी करनी है। चलचहगे येसु चियोंदोंग्यो। जी और मेरे जीजो ये तहरीक मुनादी की तहरीक येसु की जिंदगी है। मागाबोगम 16장 17절로 18절입니다. ओके मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 16वां बाब, मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 16वां बाब
उसकी 17वीं और 18वीं आयत को देखें 예, 그냥 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 요거 저 요 성경 구절만 알려 주세요. 집에서 적으라고. 찾아보라고. 오케이. 메레 지도 삼 바이블 무카드스에서 देखिए. 무카드스 마르코스의 인질 16번 باب 17वीं और 18वीं आयत को लिखा है और ईमान लाने वालों के درمیان ये मौजजे होंगे. वो मेरे नाम से बुदरुओं को निकालेंगे, नई-नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा. वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे. आमीन. 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 ये चीज़는요, 전인 치유 운동입니다. 전인. जी, और मेरे जीजो ये शिफा की नेमते हैं आपके पास. 우리가 교회를 이렇게 교회 딱 이렇게 해서 보면은 교회 막 치유 운동하고 막 그러잖아요. 그런데 그건 거의 다요 단편적이에요. 그 육신의 병 이것만 치유를 생각 치유 대상으로 생각하고 그 기도만 계속 하잖아요. 지, 메레지도 보호사레 로고메 보호사레 처치즈메 시파케 바레메 바치토 호티해. 야, 뭐 시파키 프랙티스도 카레 이 바키. 레킨 뭐 스르프 जिस्मानी शिफा की बात करते हैं, या उसी की प्रैक्टिस में लगे रहते हैं. 우리의 치유는요, 영혼부터 치유하는 겁니다. 영혼 치유. सबसे पहले जामे शिफा की बात करनी चाहिए, रूह को शिफा देने की बात. 영혼은 치유하는데, 영혼 치유는 요한복음 1장 12절 예수님을 영접할 때 시작이 돼요. जी, और मेरे जीजो जो रूह की शिफा है. उसका जिक्र हमें कहां मिलता है? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 12वीं और 13वीं आयत को देखें. मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए. आमीन. 자, 영혼을 치유해서 예수님 믿고 영혼 치유했는데 그렇다면 이제 하나님의 자녀가 됐잖아요. 그 다음에 주 잔재가 있어요. 전에 이렇게 우상을 섬겼던 거, 귀신을 섬겼던 거, 그것이 이제 영적 문제로 남아있거든요. 그래서 영적 문제를 또 치유하는 거예요. 지, और मेरे जीजो जो तीसरा पॉइंट हम देख रहे थे कि जो मुनादी की तहरीक है वो है यीशु की शिफा की तहरीक. और पहला हमने देखा कि जामे शिफा पहले पॉइंट पर आ रहा था कि रूह को शिफा देना, और दूसरी बात है रूहानी मसाइल से शिफा. 그래서 고린도전서 10장 고린도전서 10장 20절에요. 고린도전서 10장 20절에 보면은 대저 이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이다. 이렇게 이야기합니다. 제사는 귀신에게 하는 것이다. 이런 우상을 섬기는 이것을 내버리는 겁니다. 이걸 영적 문제. 지, 메레 지조, और जो हमारे रूहानी मसाइल हैं, बुध परस्ती वगैरह, उनके बारे में जो हमें तालीम दी गई है, वो क्या है? उनसे शिफा, पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत, पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, नहीं बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शैतान के लिए कुर्बानी करती हैं, ना के खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान शैतान के शरीक हो. आमीन. छुरेगकी 20장 4절로 5절입니다. एक और हवाला देखिएगा, खुरूज की किताब उसका 20वां बाब, खुरूज की किताब उसका 20वां बाब जी, मेरे साथ हवाला निकालिएगा, खुरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत को हम तलावत करते हैं. तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है. तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदा खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं. आमीन. आमीन. 우상을 섬기는 자는 3, 4대까지 망한다고 그런 거예요. जी, और मेरे जीजो वो लोग जो बुत परस्ती करते हैं
अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत बनाते हैं उसकी जो सजा है खुदा तीसरी और चौथी पुश्त तक उनके औलाद को देता है 모든 귀신의 영향력을 내 쫓아내는 겁니다. 치유하는 거예요. 잔재 우상의 잔재를 뿌리 뽑는 겁니다. 지, 어, 메레 지소, 어, 워록, 저, 부드프레스티, 카르테, 워, 부드루호카, 갑제메, 아자테, 부드루호키, 바드카르테, 야, 부드루호카, 시칸제메, 라테. 부족을 붙이는 것이나, 요가하는 것이나, 이런 것들을 다 쫓아내요. 어, 메레 지소, 우스케바드, 저, 부드루호, 헤보, 인사노케, 즈리아세, 운코, 인사노코, 바드카르테, 운케, 지스모코, 바드카르테. 그, 정신 운동, 이런 것들을 이렇게 마인드 컨트롤 같은 거 이런 거 다 빼내야 돼요. 지, so 메레 지소, 워 조, 제니, 마라이즈, 나프시아티 마사일, 워 샤탄 운코 자크레 락테, 인 로고고, 운 마사일 세 니클레 기스로르테. 정신 문제입니다. 디모데 후서 3장입니다. 지, 메레 지소, 디모티, 두사 디모티스, 두사 디모티스, 디모데후서 3장 1절부터 5절까지요. 오케이. 두스라 디모티스 3라 바브 पहली आयत से 5वीं आयत तक. 두스라 디모티스 3라 바브 और उसकी पहली 5वीं आयत. लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे क्योंकि आदमी खुदगर्ज जरदोस्त शेखीबाज मगरूर बदगो मां-बाप के नाफरमान ناشکر ناپاک طبعی محبت سے خالی سنگ دل تہمت لگانے والے بے ضبط تند مزاج نیکی کے دشمن دغا باز ڈھیٹ گھمنڈ کرنے والے خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا آمین آمین 거기에 보면은 인간성 말살들이 마지막 때에 고통의 때는 어디인가 사람이 짐승같이 된다니까요. 지, और मेरे जीजो यहां पर देखें कि कितनी बुराइयां आखिर जमाने में लोगों के अंदर होंगी. 그걸 그 사람들을 절제하지 못하고 사놓고 부모를 공경하지 뭐 어른도 없고 뭐 얼마나 요즘 아이들이 이런 식이에요. 이걸 어떻게 치료합니까? 하나님의 말씀과 성령 복음 아니면 치료가 될 수가 없어요. 지, और मेरे अजीजो यहां पर जो वाज़ह कर दिया गया है कि लोग किस तरह के होंगे आखिर जमाने में कि उनमें बिदते लड़ाइयां झगड़े बहुत सारी जो बुरी आदत है उन लोगों में होंगी. 자, 그다음에 이렇게 하면은 한번 보세요. 영적인 문제이죠. 귀신들이 시끌러하고 귀신들이 헛것을 많이 하죠. 그리고 그렇게 되면은 영적으로 황폐해지면 정신 문제가 생기죠. 정신 문제 생기면 육신의 문제가 옵니다. 드디어. 지. और मेरे जीजो जब हमने पहले देखा था कि जो रूहानी मसائل है रूहानी मसائل में जादूगरी बुतपरस्ती के बाद आपने देखा था कि جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ انسانوں کے اندر آ جاتے ہیں اور نفسیاتی مسائل کے بعد کیا آ جاتا ہے جسمانی مسائل 이렇게 되면은요 육신 문제 질병 문제 와요 일단 마태복음 10장 1절 한번 보세요 جی میرے ساتھ دیکھے گا مقدس متی کی انجیل 마태복음 10장 1절 اوکے مقدس متی کی انجیل اس کا دسواں باب اور اس کی پہلی آیت مقدس متی کی انجیل دسواں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں آمین آمین 당연히 그런 질병들을 고칠 수 있는 능력을 주시잖아요 그리고 가정 문제가 또 나타납니다. 사도행전 16장 31절 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻을 것이다. 지, और मेरे जीजो जो पहला पॉइंट भाई साहब ने लिखा था जो हवाला था मुकद्दस मत्ती की انجیل उसका 10वें बाब के मुताबिक कि बीमारियों पर इख्तियार बीमारियों को दूर करने का इख्तियार और उसके बाद हम देखते हैं रसूलों के इमाल उसका 15वां बाब रसूलों के इमाल उसका 15वां बाब और उसकी 31वीं आयत को देखें रसूलों के माल 15वां बाब और उसकी 31वीं आयत ये जो प्रॉब्लम्स हैं लिखा है कि
رسولوں کے مال 15 باب کی 31ویں آیت پاک کلام میں لکھا ہے مکسانی yeah. 사도행전 15장 아? 사도행전 16장 31절 예. 오케이. 르솔로 के माल 16वां बाब गाजेंगे मुंजे जी 31वीं आयत में लिखा है उन्होंने कहा उसने कहा ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं उन्होंने कहा खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा आमीन आमीन 또 거기서 끝나는 게 아니요. 자녀들의 문제가 있어 얼마나 우리가 심각합니까? 자녀들의 문제. 누가복음 23장 28절 보니까 예수님이 그렇게 이야기해요. 십자가에 지고 골고다 길을 가시면서 하시는 말씀이요. 여자들에게 울고 따라오는 여자들에게 하시는 말씀. 자 여자들아 나를 위해서 울지 말고 너희 자녀들을 위해서 울어라고 그러는 거예요. 자녀들 후대 문제가 심각합니다. 예, 아 목사님, 누가복음 23장 28절. 오케이. 예수님, 무카데스 루카기 니루스카 23번 바브르스키 28번 때 예수님 उनकी तरफ फिरकर कहा, 에 예루살렘 की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो. 아멘. 아멘. 거기서 끝나는 게 아니죠. 육신의 문제는 또 생활까지 삶까지 문제가 계속됩니다. 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 짐이 돼요. 수고하고 무거운 짐이 인생이요. 삶이 그 수고하고 무거운 짐이 되는 거예요. 자녀들이 짐이 되고 경제 짐이 되고 모든 삶이 다 짐이 되는 거예요. 이렇게 수고하고 무거운 짐이 돼요. 이 문제가 계속되는 거예요. جی اور میرے عزیزو جو ہم نے مسائل کا ذکر کیا ہے کہ روحانی مسائل جسمانی مسائل معاشی مسائل اور اس کے بعد جو شیطانی مسائل ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سچا ایمان یا تقویٰ یا انجیل کی بشارت کے لیے جو ہمارے پاس مسائل آ جاتے ہیں ان کا واحد حل ہے اور یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی بچوں کے لیے جو ابھی حوالہ تلاوت کیا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے بھی جو مسائل آگے آئیں گے آمین 아멘. 거기서 끝나는 게 아닙니다. 또 경제 문제도 치유받아야 돼요. 지. So, 메레 아지즈, 루하니 파타 하슬 करने के लिए 경제 문제. 저 루하니 लड़ाई है. 경제 문제는요. 이사야 60장 1절로 5절에 그대로 나타납니다. 이사야 60장 okay. 1절로 5절. 오케이, 메리사, 보시게가 또 다른 하와라. 이사야 나비의 사이파, 그가 60번 밥. 이사야 60장. 이사야 60장 1절로 5절. 네, 60번 이사야 60번 밥과 첫 번째 5절을 우리가 읽어보겠습니다. 읽어. 우트 무너버호, 왜냐하면 너의 눈이 왔고, 그리고 하나님의 영광이 너에게 드러났고, 왜냐하면 تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر لیکن خداوند تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی آمین آمین 여러분 진짜요 여러분 꼭 제가 내가 이거 드릴게요 돈을 벌고 경제 가난에서 면할 수 있는 성경의 방법 지. 이게 실제적인 방법이 있어요 جی اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو معاشی مسائل ہیں یا طرح طرح کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل بھی ایک ہی ہے بائبل مقدس میں معاشی مسائل کا حل ہے خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ایرونارا پیچھل بررہ چندوان سارام کہ کھنجے گا چھانیو دری کہ مو پدار کننے سے چھانیو دری کہ مویوگی مک ایرکے گلوباری دے گا جگو دورا اومیدا جی اور میرے عزیزو یہاں پر آپ نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے ملاکی قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی آمین
그리고 또 한 가지입니다. 복음을 전하는 사람, 그리고 말라기 3장 7절로 14절에 11조 하는 사람이요. 어, 오케이. 아, एक और हवाला देखिए मलाकी तीसरा बाब 11조 하는 사람. 11조에 대해서 다음 시간에 자세히 하겠지만은 여러분, 예. 11조 시작하세요. 11조 다 하시고 어, 계신 사람 손 한번 들어 보세요. 지, 메레 지조 30세 밥기 11वीं आयत को देखो और मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा रब अल फाज फरमाता है आमीन 아, 우리 일선 목사님 그 11조 예. 하는 하고 있는 사람 손 한번 들어 보라고 하세요. 11조 한 거. 메레 지조 지, 자라 अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा 11조 하고 있는 사람 다 하네. 어, 다 11조를 하네. 11조가 정말로 귀중한 헌금이에요. 11조가. 그 메레지도 वो लोग जो खुदा के कलाम की बदौलत फतह हासिल करते हैं सिर्फ वही कामयाब होते हैं अंजील की بشارت की तहरीक में. 이 다음 시간에 11조에 대해서 좀 깊이 이야기하고 다른 말씀 들어가겠습니다. 이 메레지도 मैं किसी और वक्त आपके साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से इसके बारे में कलाम कर सकूंगा 그리고요 세 번째입니다. 효도요. 효도. 에베소서 6장 1절로 3절. 부모를 공경하는 사람. 잠깐만 목사님 다시요. 에베소서 6장 1절로 3절. 에베소서 6장 1절로 3절. 오케이. 아, 에베소서 6장 1절로 3절. 네, 에헤나마메세 에베소서 6장 1절. 지, 사 바이블 무카드스 메레 사드 니칼리에가. 에베소서 6장 1절. 에베소서 6장 1절로 3절. 오케이. 아, 페헬리 तीन आयत को देखिए इफिसियों छठा बाब उसकी पहली तीन आयत ऐ फरजंदो खुदावन में अपने मां-बाप के फरमा बरदार रहो क्योंकि यह वाजिब है अपने बाप की और मां की इज्जत कर यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो आमीन आमीन 반드시요 부모를 공경하는 사람 효도하는 사람 이 땅에서 잘 삽니다 जी और मेरे जीजो जिस तरह लिखा गया है कि ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो ये वादा है हमारे साथ आमीन 우리 자녀들이요 우리 엄마는 왜 이래 우리 아빠는 왜 이래 우리 집은 왜 이래 요거부터가 이제 그 가난하게 살 그 이 징조가 보이는 거예요 그러면 안 돼요 मेरे जीजो हमारे मां-बाप क्यों काम करते हैं क्यों वो लोग रोज मां या बाप क्यों रोज काम काज के लिए जाते हैं हमारी भलाई के लिए जाते हैं योसेफ은요 형들한테 미움 받아 가지고 노예로 팔려 가고요 자기 어머니가 진짜 어릴 때 엄마가 필요할 때 엄마가 죽었어요 그래도요 형들이나 다른 계모들한테 원망을 이만큼도 안 했어요 अब मेरे जीजो देखें कि पुराने अहदनामा में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यानी मुकद्दस यूसुफ का हमें जिक्र मिलता है कि किस तरह से मुकद्दस यूसुफ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं कि उनके जो भाई हैं उनको फरोख्त कर देते हैं उनसे मोहब्बत करने के बजाय उनको फरोख्त कर देते हैं बेच डालते हैं थे एगुबे 제국의 총리가 되고요 전 세계 사람들이 굶주림에서 해방받을 수 있도록 모든 그 이 식량 문제 완전 해결해 주셨어요. 해결해 줬어요. 지, और मेरे जीजो वहां पर देखें कि मुकद्दस यूसुफ को खुदा मिस्र में किस तरह से इस्तेमाल करता है कि पूरी दुनिया में काल पड़ा हुआ था लेकिन मुकद्दस यूसुफ की हिकमत की बदौलत मिस्र में दाने फरावानी में थे 자기 가족들요 전부 다 70명을 데려다가요 땅 주고 짐승 주고 그리고 전부 다요 집 지어주고
이렇게 축복을 해 줬어요. 지, 어, 메레 지조, 예, 로그, 70 के करीब, 예니 70 افراد مصر میں آئے تھے اور کس طرح سے خدا نے ان کے ذریعے بودوباش کرائی اور وہ بڑھتے بڑھتے کتنے زیادہ ہو گئے اور ان کو آسمان کی طرف سے کتنی برکتیں ملی 아버지 야곱이 돌아가시니까 요셉은요 장례를 한 달 동안 치렀어요. 지, 어, 메레 지조, 잡, 무카드스 요셉의 와릿, 예니 무카드스 야곱 وفات پا جاتے ہیں تو مقدس یوسف ان کے لیے کتنا زیادہ افسوس کرتے رہتے ہیں 자, 다락방 전도 운동의 중심 메시지가 뭡니까? 그것은 바로 예수 생명 운동이에요. 지, 아무 پھر سے اپنے آج کے پیغام کی طرف آتے ہیں بائبل مقدس کے 다락방 یعنی انجیلی بشارت کی تحریک کا مرکزی پیغام کیا ہے کہ یسوع مسیح زندگی ہے. 우리 단체 중심 메시지 예수 능력 운동. 지, 어, 메레 지조, 예수, 히, 등야, 기, 타, 끝, 헤. 예수, 치, 운동. 지, 어, 예수, 시파, 기, 시파, 기, 테리. 예수, 기도, 운동. 예수, 기도, 운동. 지, 우스케, 밭, 함, 데케, 게, 예수, 기, 두, 아, 기, 테리. 철저하게 예수, 전도, 성교, 운동입니다. 지, 어, 저, 안질, 기, 비샤렛, 헤. 바이블, 무카드스, 예수, 기, 안질, 기, 비샤렛, 기, 테리, 헤. 기도 운동하고 선교 운동하고 다른 다음 시간에 이렇게 더 자세히 이렇게 말씀드리겠습니다. 지, 메레 지조, 아주 जो हमने देखा है यीशु की दुआ की तारीख, यीशु की انجیل بشارت کی تاریخ. इसके बाद अगले जब हमें वक्त मिलेगा तो हम इसके आगे चलकर और पढ़ेंगे. 여러분 물질의 축복을 받고 싶으면은 반드시 선교에 동참하세요. 그리고 또 반드시 십일조 하세요. 반드시 부모를 공경하세요. 이거는 하나님이 그냥 그 육신의 일 놓고 그냥 약속하신 거라니까요. 지, 어, 메레 지조, 아비 아게 찰카, 아가르 후다세 버크테 하슬 카나 차테, 또 섭세 벨레 후다운케 칼람키 트럽데케, 피랍네 왈덴키 히드마트케레, 어, 피르데케케 후다운 후다, 후다네 조 아프케사 와데케, 후다 키스트나세 아프케리에 드라바세 콜테. 11조나 그 저 효도에 대해서 다음에 다음 시간에 또 이 얘기를 하겠습니다. 지, 어, 메레 지조, 매, 이스케 아게, 지, 지트나 아즈함네 시카에 이스케 바레메, 무지드 아프케, 아프케 리에 칼람 레커 아운가. 마한 사체 진다 페라스마니 바압, 쿠다운 쿠다 테라 슈크레 이스 왁케 리에, 벤 바이욘 키스 리파카토 시라카트 케 리에, 어, 에 바프스마니 아즈케 쿠프스루트 칼람 케 리에, 케 조 케 투네 아프네 반다, 파스터 사헤브 키 즈바니 아타 키야, 에 바프스마니 박스 데 케 쿠다운 함 이스 칼람 케 무타박 اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے بن سکیں اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کا منشور بنا کر ان باتوں کو سامنے رکھیں تاکہ اے خداوند ہم شیطان پر فتح پا سکیں بیماریوں پر فتح پا سکیں نفسیاتی مسائل پر فتح پا سکیں اور اے خداوند کورین پاسٹرز کی ساری ٹیم کے لیے تجھ سے برکت کی دعا چاہتے ہیں جو روز ہمارے لیے زندگی بخش کلام کو لے کر آتے ہیں ان کی ساری ٹیم کو بڑی برکت عطا فرمانا چھ بائبل اسکول जिन्होंने आज तेरे कलाम को सीखा है ऐ खुदावन तमाम छह के छह बाइबल स्कूल को बड़ी बरकत आ फरमाना इनके तमाम लीडर साहबान के साथ होना इनके तमाम पास्टर साहबान को बड़ी बरकत आ फरमाना ऐ खुदावन आज के सारे दर्स और तदरीस के सारे इंतजाम के लिए तेरे हजूर में शुक्राना जालाते हैं आज के सारे कलाम के वसीला से हमने जितनी बरकत पाई उसके लिए तेरा शुक्र हो मसीह यस्सु के कुदूस जलाली और बाबरकत नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं Amen. Amen. Amen.